अभी डिकल है जो मंत्री अभी फिलहाल में वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ओम मन्नत जी के चढ़ाई थी, उनकी मन्नत पूरी होने के बाद तो बठों बुलेट अपने आप ही चाल और भी स्थान पर आ गई, जठांग को एक्सीडेंट हुई और ओम मंदिर स्थापित होने के बाद में आज तक कोई एक्सीडेंट को नहीं हुआ। रोज एक्सीडेंट होता भी जगह नाव खुन्नी मोड़ पड़ गयी। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा ये ओम मन्नत धाम है। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम साहब, मैं बलराम कैमरामैन चुनीलाल का सागर, झलको चूरू चैनल पर थारो स्वागत है। चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबानो ना भूलिया। आज आया आपा रतनगढ़ तहसील को एक गांव है पायली, बीजा को एक प्रसिद्ध मंदिर है श्री ओम बन्ना जी को। इजा आपा मंदिर में जिका यात्री लोग आयोडा है, जिका आसपास का लोग बाग है वहाँ से बातचीत करांगा, जिका पुजारी जी है वहाँ बातचीत करांगा और मंदिर को के कुछ इतिहास रीडो कितो पुराना मंदिर है, के मंदिर की मान्यता है भी एक बार आपा जानांगा। जी की ओम बन्ना को मंदिर है अपने कितना साल लगभग पुराना मंदिर हो? 27 अक्टूबर 2012 ने ये मंदिर की एक छोटा सा 1.5 बाई 1.5 में स्थापना हुई, पूर्णिमा को दिन हो, और बीके बाद में 27 जनवरी 2013 ने इकी नींव लगी, 27 नवंबर 2014 ने मूर्ति स्थापना होगी। 7-8 साल हो गया। ओम बन्ना ने सब मन है और ओम बन्ना के इस मंदिर में पूरा भक्तों को सहयोग है और ओम बन्ना अंकी संकी मनोकामना जो भी भक्त हो गाड़ी वाला और भी कोई मनोकामना मांगे मांगी संकी पूर्ति करे। अच्छी अच्छी जी आठा वो मंदिर बने भी हूँ पहली आठा है, एक्सीडेंट बहुत होता इस हाईवे रोड पर और मंदिर स्थापित होने के बाद में आज तक कोई एक्सीडेंट को नहीं हो, छोटो मोटो हो तो कोई दुर्घटना घटी को नहीं, गाड़ी अड़ रहेगी। ये आठा जठा भी जितना भी भक्त हुआ है गाँव का भी है और भी जो भी भक्त हुआ है हम मांग साहब सबके श्रद्धा के अनुसार ही बने डोरे। आंको 1988 का महीने बुलेट मोटरसाइकिल हूँ पाली हूँ ये आपके गाँव चोटी ला रहा रोहित थाना के, अब ये पहली भी टाइम केरलो थानो लाग तो बठा को एक्सीडेंट हुई हो, एक जाड़ के पेड़ वहाँ की मोटरसाइकिल टकराई और मोटरसाइकिल टकराने के बाद वहाँ की डेथ होगी और डेथ होने के बाद वहाँ की डेड बॉडी पोस्टमार्टम कर घरे दे दी, बुलेट ले गया थाना में तो बठों बुलेट अपने आप ही चाल अरे भी स्थान पर आएगी जठा को एक्सीडेंट हुई हो और आंको एक्सीडेंट हुई हो भी टाइम भी हूँ पहली रोज बठा एक्सीडेंट होता अभी जगह को नाव पड़ गयो पेपर में आईडी मत जान तो कोनी पहली लेकिन अखबार में और मैं न्यूज में देख रही है बठा रोज एक्सीडेंट होता भी जगह को नाव खुन्नी मोड़ पड़ गयो। आंको जब एक्सीडेंट हुई हो भी के बाद के महीने बठा आज तक कोई एक्सीडेंट को नहीं हो और लोगों की मनोकामना पूर्ण हुआ है, गाड़ी घोड़ाड़ा और जो भी आंकी आंगनो मन्नत मांगे जबकि कैंकी भी मांगे श्रद्धाओं मांगे वहाँ की मन्नत पूरी हुआ। ओम बन्ना जी यहाँ पर देखे जाओ पहली मतलब साधारण आदमी आम आदमी है। हाँ ये एकदम आम आदमी आप लित्री हैं आंगा पिताजी आज का नागनी चमाता आंगी कुल देवी है बांग का भक्ता बड़ा और अंको मारे सुनना आयो है अंक पिताजी केरला थाना के ऊपर जिकी रेलवे स्टेशन लागती बट है ये हमेशा यात्रियों ने खानो बांटता और सेवा करता और भी हूँ पहली अंक पिताजी 40 साल सरपंच रहा और अंकी जो लोगों की सेवा के लिए सदा से ही भावना ही और अब देवलोक में हो गया अब भी घनी सहायता करे मतलब जब है मतलब आपका मनुष्य रूप में जब बहुत मतलब सहायता करता है। हाँ सा घनी करता और आंगा पिताजी भी के काम करे करता हूँ। आंगा पिताजी 40 साल सरपंच रहा गांव का ठाकर रहा और 12 गांव की ताजी में ये पाता उतरा ठोड है और बठों जी आई भी आंकी गांव की और की से आंकी भावना सदा ही सेवा के मायने रही और बठ सुनना मैं आंग घर गयो जहाँ माता जी पिताजी हूँ मिले डू मैं और माता जी पिताजी और आंगे मैं घर हूँ जगह हूँ मिले डू आगे एक लड़को है मैं भी मिले डू और बहुत अच्छी आंकी भावना है और भाई बात आज देव रूप में भी ओम बना भाई से भक्त की सेवा करे। और जी अंक परिवार की बात करें तो परिवार में अब कौन कौन लोग रह रहे हैं? अंक परिवार में अब अंक लड़का है और अंक घराला है। कितना बच्चा है? अंक एक ही लड़को है मान पराक्रम सिंह नाम है और पत्नी को नाम उर्मिला कंवर है, पिताजी को नाम जोग सिंह जी को, माता को नाम स्वरूप कंवर। मुख्य मंदिर आंको है? मुख्य मंदिर मेन रोड है चोटिला गांव है पाली और जोधपुर रोड पर और बठे मंदिर को नहीं एक खुलो चबूतरो है अखंड जोत चलती रहे और 24 घंटा बी के बाद के मैं ओम मंदिर बने हो। ओम मंदिर 2012 27 अक्टूबर ने शुरुआत हुई भी ओ पूरो ओम ने चमत्कार कोई रूप है जेंगे मतलब चोटिला के बाद में दूसरा मंदिर बोल सके राजस्थान में। हाँ दूसरा मंदिर बोल सको और मंदिर के रूप में बड़ो पहलो बोल सको बता रहे थे तो विजय तो चौकी वगैरह बनाई है मंदिर के रूप में पहलो वो ही है। आप तो घनी जगह जगह हर रोडा में मंदिर बन रहे और अठे न कोई बुझा को और कुपरो बिया को नहीं हुए अठे तो आंगन आवे मन्नत मांगे ज्यादा में ज्यादा नारियल बांध देवे और संघ की मनोकामना अच्छी अच्छी कोई कैंसर तक ठीक हुई है। ये मंदिर
तो 7-8 साल हो गए मंदिर को, और 2015 में एक बार यहाँ सेवा कर रहे थे महाराज की, और उसके बाद में इनका जो है हुक्म नहीं हुआ तो हम गांव चले गए थे। फिर अभी 2000 यानी जनवरी से 2-3 साल हो गए, तब से अभी यही सेवा कर रहे हैं, इनका हुक्म है। देखिए अगर बात करें तो ठाकुर निवास स्थान की जय। निवास स्थान उत्तर प्रदेश है, हरदोई जिला है और हर्रई गांव है। पीछे मतलब थी जहाँ के पूजा पाठ पूजा कर रहे हो मना जी की हुकुम हो गया तो आ गए। तो इस जगह को मतलब के तरीके से थी जाए मतलब पूजा वगैरह कर रहे हो के तरफ से सारो संपर्क हुई जहाँ। हाँ यहाँ जो दिनकर जी महाराज थे मूर्ति स्थापना हुई थी तब हम यहाँ आए थे मूर्ति स्थापना के लिए, तो बस उसी दिन से जो है संपर्क हुआ, फिर महाराज जी का हुक्म हुआ तो यहाँ सेवा होती मतलब पहले से पूजा पाठ से तो जुड़ा ही होते। हाँ पहले झुंझुनू जिला में भागवत मंडल में रहते थे, तो बस यहाँ राजस्थान में 10-12 साल हो गए यहाँ रहते हुए। श्रद्धालु भक्तों की बात करें कितनी दूर दूर से अभी यहाँ लगभग दिल्ली के भी आते हैं, दिल्ली से भी, और सुजानगढ़ है, चूरू है और नीम का थाना है सब। और जो नारियल बंधे है मनोकामनाओं के लिए वो बांधे जाते हैं वहाँ, जो भी मनोकामना हो नारियल ले आओ और जो भी मनोकामना है बोल दो, बोल के परिक्रमा लगा के वहाँ नारियल बांध दो, आपकी 100% मतलब पूरी करते हैं। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा ये ओमना धाम है, इसमें दूर दूर से यात्रा करने आते हैं, हम पास से गांव से राजस्थान से आए दर्शन करने के लिए। कितनों फेमस मंदिर बताए थे अभी नहीं मतलब हमारे संभाग में कम से कम 3-4 जिले लगते हैं, उसमें सबसे फेमस मंदिर है ओम मना का मंदिर। चोटेला भी लोग जाते हैं, लेकिन जब से ये धाम हुई है तब से यहाँ के बीकानेर गंगानगर या सूरजगढ़ उस साइड से जो भी लोग हैं सारे यहाँ आते हैं। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री उस भी आती है, कांग्रेस कोई भी राजनीतिक दल है मान लो बीजेपी कांग्रेस किसी से संबंधित है वो यहाँ आके जरूर अपना मत्था टेकता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। हम तो राजेंद्र रतनगढ़ आते जाते रहते हैं, रास्ते में आते हैं तो आते यहाँ धोख देते हैं, आते जाते चले जाते हैं, हम ऐसे आते हैं। जो भी यहाँ से बसें गुजरती है सब बस वाले यहाँ रोक के धोक देते हैं, ड्राइवर कंडक्टर सब यहाँ धोक दे के चले जाते हैं। अब बाइक ओम मन्ना जी की सवारी बुलेट, ओम मन्ना जी की सवारी जी, ये बाइक जो ओम मन्ना जी का जन्मदिन आता है मई में मंसर के अंदर, वो आता है जन्मदिन आता है उनका, तो उस टाइम बी डी कल्ला है जो मंत्री अभी फिलहाल में वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ओम मन्ना जी के चढ़ाई थी उनकी मन्नत पूरी होने के बाद। भरपाल से शुरू दर्शन करना आयो क्या मंदिर के अगर थान क्या पता चलेगी जो मंदिर पहली में आसपास का लोग बता दे लगभग कितनी बार आ चुके हैं जी। मतलब मैं लगभग 2-3 बार आ चुका। अगर वो वीडियो थान चोखो लगे हैं तो वीडियो लाइक करिया, झलको चूरू चैनल सब्सक्राइब करिया। झलको चूरू चैनल को उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने उद्देश्य को नहीं, ना ही कोई अंधविश्वास ने बढ़ावा देना है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिया और कमेंट बॉक्स में थारी राय देनी ना भूलिया। जय चूरू, जय जय राजस्थान, जय हिंद।